सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, सुरेश रैना और युवराज को मिल रहा दिग्गजों का समर्थन। अब अजहरुद्दीन ने बोल दी ये बात। पिछले काफी समय से टीम से बाहर चल रहे धाकड़ भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और सुरेश रैना को दिग्गज क्रिकेटरों का समर्थन मिल रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अब भारतीय टीम में एंट्री के लिए हर खिलाड़ी को यो टेस्ट पास करने का मानक रखा है, जिसे ये दोनों खिलाड़ी इस टेस्ट को पास नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर अब युवराज सिंह और सुरेश रैना को दो दिग्गज खिलाड़ियों का समर्थन मिला है। पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि यो टेस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों को फिटनेस को लेकर थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। अजहरुद्दीन ने कहा कि मुझे वास्तव में नहीं पता कि यो टेस्ट क्या है, लेकिन फिटनेस की बात करें तो हर किसी को फिट होना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो अपने करियर के अंतिम छोर पर खड़े हैं, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। शायद उन्हें फिटनेस में थोड़ी छूट देनी चाहिए। युवराज और रैना ने NCA बेंगलुरु में फिटनेस टेस्ट में हिस्सा लिया था, लेकिन यो टेस्ट में फेल होने के बाद दोनों ही टीम में जगह बनाने में असफल रहे। अपनी धमाकेदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम मध्यक्रम की परेशानी से जूझ रही है। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गए सीरीज में टीम इंडिया ने जीत जरूर हासिल की, लेकिन इन दोनों की कमी साफ तौर पर उजागर हुई। भारत के लीजेंड सुनील गावस्कर को लगता है कि टीम इंडिया में इस परेशानी से निपटने के लिए इन दो खिलाड़ियों को वापस आ जाना चाहिए। गावस्कर ने चयनकर्ताओं को कुछ पुराने खिलाड़ियों को फिर से मौका देने की सलाह दी है। गावस्कर का कहना है कि भारतीय टीम के लड़खड़ाते मध्यक्रम को संभालने के लिए टीम में सुरेश रैना और युवराज सिंह की वापसी होनी चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करिए, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद।